बहुत ही अमेजिंग थी। एंड अनभी पुडा के जिस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हुई है मूवी में, आई थिंक बहुत ही अच्छे थे। इंटरवल के बाद इट वाज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। एंड आल्सो अकिंता लुखंडी भी इस मूवी में थी, जो हमें उनके साइड का भी दिखाया गया स्टोरी ऐसा देखी जाए। और ये पिक्चर, इस पिक्चर में हकीकत दिखाई कि लिटरली कांग्रेस ने क्या बेड़ा गर्क किया है। जैसे सरबजीत ने किया, इस बार उन्होंने उससे डबल ट्रिपल धमाल किया पिक्चर के अंदर है। लेकिन वो चीज मौजूदा समय में आइडियोलॉजी को, आरएसएस के आइडियोलॉजी को कैसे प्रोपोगेट करना है, अखंड भारत को कैसे लाना है, वो सारी चीजें इसमें डाली गई है ना। अच्छा। वो उसी एजेंडा, रणदीप एक अच्छे कलाकार है उस चीज में है, लेकिन ये प्रोपोगेंडा फिल्म है। बैक टू माय चैनल दैट इज एचएम डिजिटल रिव्यूज, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज फर्स्ट शो का पब्लिक रिव्यू करने आया हूं, जिस फिल्म का उसका नाम है स्वतंत्र वीर सावरकर, जिसमें रणदीप हुड्डा ने डायरेक्शन किया है और एक्टिंग भी करी है एज वीर सावरकर। तो बस जनता बाहर आ जाए, उनसे जानेंगे कि उनको फिल्म कैसी लगी है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एंड तक देखना, इस पब्लिक रिव्यू को लाइक कर देना, कमेंट करना मत भूलना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना हमारा चैनल दैट इज एचएम डिजिटल रिव्यूज। स्वतंत्र वीर सावरकर कैसी लगी? बहुत बढ़िया मूवी लगी, बहुत अच्छी लगी। अच्छा, क्या लगा आपको फिल्म में? इसमें रणदीप हुड्डा का जो रोल और वीर सावरकर जी के लिए जो दिखाया गया वो बहुत बहुत मतलब सराहनीय है। फिल्म देखने के बाद आपको लग रहा है कि ये कोई प्रोपेगेंडा मूवी है? नहीं, ऐसा कुछ लग नहीं रहा, लेकिन जिस तरह से माहौल बनाया हुआ है प्रोपेगेंडा ऐसा है नहीं। में से आउट ऑफ 5 3.5। वीर सावरकर एक ही चीज मूवी में भाव कहेंगे, वो रणदीप हुड्डा को देखकर कैसे ट्रांसफॉर्मेशन, शुरू में इतने अच्छे एप्स थे और आखिर में जाके इतने पतले हो गए। हाउ, मतलब कोई फिल्म के लिए ऐसा कैसे कर सकता है। बात करूं, मैंने सावरकर जी की पूरी जीवनी पढ़ी है तो मूवी उतनी डीप नहीं गई, क्योंकि उन्होंने अपनी जीवनी में लिखा है कि वो जो सावरकर जी का जनेऊ था, वो जो मुस्लिम जो कैदी की रक्षा करते, जो पुलिस वाले होते, वो तोड़ दिया करते थे, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया करते थे। तो उतनी ज़्यादा डीप नहीं है। और इसमें दिखाया गया सावरकर जी ने, जो सही भी है, कि इंडिया को जोड़ने की कोशिश की, हालांकि उनका झुकाव हमेशा से हिंदू की तरफ ज़्यादा रहा है। तो ऐसे तो मोहम्मद जिन्ना जी का भी मुस्लिमों की तरफ झुकाव रहा है, तो उससे हम किसी को गलत नहीं मान सकते। जैसे कि कांग्रेसी, अगर हम कांग्रेस विचारधारा से तो हमेशा सावरकर को नेगेटिव मानते हैं, जो कि अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से है। और मूवी की बात करें तो स्क्रीन प्ले और बढ़िया हो सकती थी, ड्रामेटिक हो सकती थी, सिनेमेटिक हो सकती थी, जो कि थोड़ी लैक कर गई। रेटिंग आउट ऑफ 5 5 में से 3.5। या मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड आई थिंक रणदीप हुड्डा के एज अ डायरेक्टर ये मूवी उन्होंने फर्स्ट मूवी थी एंड वो बहुत ही अमेजिंग थी। एंड रणदीप हुड्डा के जिस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हुई है मूवी में, आई थिंक बहुत ही अच्छे थे। इंटरवल के बाद इट वाज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। एंड आल्सो अकिंता लुखंडी भी इस मूवी में थी, जो हमें उनके साइड का भी दिखाया गया स्टोरी एज अ वाइफ, वो क्या फील कर रही है वहाँ पे उस, तो बहुत ही अच्छी थी। आई थिंक आई विल रेट 3 out of 5। थैंक यू। फिल्म आपको यार बहुत बढ़िया फिल्म, बहुत बढ़िया। रणदीप हुड्डा का काम कैसा लगा? जबरदस्त, बहुत बढ़िया। डायरेक्शन भी किया है उन्होंने, एक्टिंग भी की, जबरदस्त। और बाकी जो दिखाया गया है इसमें हिस्ट्री का, कुछ चेंजेस करें? नहीं, चेंजेस नहीं, मुझे नहीं लगता चेंजेस करें, बहुत नेचुरल फिल्म है। आउट ऑफ 5 5 फिल्म बहुत अच्छी है। दिखाई कैसी है, एक्टिंग कैसी करी है? बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया फिल्म, बहुत बढ़िया। रणदीप हुड्डा कैसे लग रहे हैं? गजब गजब। 5 में से 5 ही है वैसे तो, बाकी पब्लिक के व्यू उसकी बाकी बात। अच्छी, बहुत अच्छी सर। बहुत अच्छी। क्या अच्छा लगा फिल्म में? फिल्म में बहुत रणदीप हुड्डा की एक्टिंग भी अच्छी लगी और जो सच्चाई थी वो दिखाई। सावरकर के किरदार में कैसे लग रहे हैं? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और डायरेक्शन भी उन्हीं का है तो वो कैसा है? बहुत अच्छा। 5 में से 4। रणदीप हुड्डा के बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छा एक्ट किया उन्होंने एंड उनकी मेहनत दिख रही है। और डायरेक्शन भी किया है उन्होंने, तो डायरेक्शन कैसा है? डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है, बट आई थिंक और अच्छी हो सकती थी, बिकॉज मूवी बहुत ही ज्यादा डार्क टोन्ड है, बट इट्स रियली नाइस। आउट ऑफ 5 आई थिंक 3। वीर सावरकर, सावरकर डॉक्यूमेंट्री टाइप की फिल्म है। अच्छा। और जिसको अच्छी फिल्म का जो होता है मानदंड, उस पर थोड़ा सा कम है। मतलब काम कैसा है रणदीप हुड्डा का? रणदीप हुड्डा ने काम अच्छा किया है, लेकिन सारे क्या है ना कि जो शूटिंग है वो सब इंडोर में ही कर दिया गया है नाटक की तरह। अच्छा। तो आउटडोर शूटिंग कहीं नहीं है, इंग्लैंड का भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो ऐसा लगता है कि थिएटर हॉल में ही सारा शूटिंग कर दी गई। अच्छा। मतलब आपको डॉक्यूमेंट्री लगी? डॉक्यूमेंट्री है, डॉक्यूमेंट्री जैसी ही है बनी है उसी। पिक्चर जो है ना कमाल की बनाई है रणदीप हुड्डा ने, ना मजा आ गया, मतलब कि जितनी पहले की पुरानी पिक्चर है अगर तो देखी जाए। और ये पिक्चर, इस पिक्चर में हकीकत दिखाई कि लिटरली कांग्रेस ने क्या बेड़ा गर्क किया है हिंदुस्तान का। रणदीप की बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में क्या?
अमेजिंग, जैसे सरबजीत ने किया इस बार उन्होंने उससे डबल ट्रिपल धमाल किया उस पिक्चर के अंदर, मजा आ गया। फर्स्ट टाइम डायरेक्शन किया है, कैसा लगा था? डायरेक्शन ऑसम था, पता ही नहीं लगा कि ये उनका डेब्यू डायरेक्शन था, मतलब कि ये इसमें देखा, ये मतलब यही समझा जा रहा है कि एक्टिंग करते करते उन्होंने कब डायरेक्शन सीख ली पता नहीं लगा। आउट ऑफ फाइव? आउट ऑफ फाइव, फाइव। एक और प्रोपेगेंडा फिल्म आपसे जब मुलाकात होती है कोई ना कोई प्रोपेगेंडा ही फिल्म। अब क्या करें, अब ये 24 का इलेक्शन है, उस लिहाज से तो भैया इससे बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता बीजेपी आरएसएस के लिए। हाँ। लेकिन ये सावरकर की कहानी के हिसाब से रणदीप हुड्डा ने बनाई है, वो कह रहा है कि प्रोपेगेंडा नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा था। तो हिस्ट्री भी है, लेकिन वो चीज मौजूदा समय में आइडियोलॉजी को, आरएसएस के आइडियोलॉजी को कैसे प्रोपोगेट करना है, अखंड भारत को कैसे लाना है, वो सारी चीजें इसमें डाली गई है ना। अच्छा। वो उसी एजेंडा है। तो सावरकर की कहानी इससे पहले आपने पढ़ी थी कहीं पे? नहीं पढ़ी है, लेकिन ऐसी हाईलाइट नहीं है कि कोई इनसे इंस्पायर हुए हो। अच्छा। सारी चुपे रूप में आरएसएस में गड़ी हुई है बहुत सारी, इन्होंने किताब रची वो भी किसी को नहीं पता, हाँ भाई इन्होंने लिखी थी या किसी और ने लिखी थी का पता ही नहीं है ना कुछ। चलिए फिल्म की बात करें, रणदीप का काम कैसा लगा? रणदीप एक्टिंग अच्छी है, बेहतरीन है उसको। बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह जो करी है वो सब है, वो सब रणदीप एक अच्छे कलाकार है उस चीज में है, लेकिन ये प्रोपेगेंडा फिल्म है उसमें कहानी बहुत लंबी इतनी बोरिंग कर दी ना, वो टिकना बहुत मुश्किल है। हाँ, और छोटे छोटे अंश होते हैं, कुछ रोचक चीजें होती, कुछ इफेक्टिव होती ना, मजा आता। इन्होंने सावरकर ने क्या इसमें सैक्रिफाइस किया दिख ही नहीं रहा है, सिर्फ जेल के, जेल भी चले गए और जेल के बाहर आने के लिए भी छटपटा रहे हैं, आने से पहले भी कुछ नहीं किया, आने के बाद भी कुछ नहीं कर पाए, सारी कुंठित से टाइप की लगा। मुझे मजा नहीं आया। रेटिंग आउट ऑफ 5? 2 स्टार।